हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम सुमित तिवारी और ये हमारी पैटर्न प्रिंटिंग ट्यूटोरियल सीरीज का 14th पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम कुछ कैरेक्टर पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इन दोनों पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये कैरेक्टर पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, देन इस पैटर्न की हेल्प से ये वाले पैटर्न को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न के लिए हमें क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन नीडेड है। देखिए, सबसे पहले इस पैटर्न के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। तो नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स के लिए हम क्या काउंट करते हैं, रोज। कितनी रो है इस पैटर्न में, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ रोज 5 है, मतलब जो हमारा आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो हमने इससे पहले कैरेक्टर पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टर पैटर्न्स को जब हम बनाते हैं तो या तो हम अपने कोड में इंटीजर्स को ले सकते हैं और फिर उनकी ASCII वैल्यू, कैरेक्टर्स की जो ASCII वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो आपका आउटर लूप वेरिएबल और जो इनर लूप वेरिएबल है उनको आप एज अ कैरेक्टर ले सकते हैं। तो इजी हमको यही पड़ता है कि जो आपके आउटर और इनर लूप वेरिएबल्स हैं इन्हें आप एज अ कैरेक्टर ले लें तो ये इजीली बनेगा। इसलिए यहाँ पे इस पैटर्न को मुझे 5 टाइम्स रन करना है, तो मैं यहाँ पे इसे ए टू ई रन करूंगा। ओके, तो ये 5 टाइम्स चलेगा, ए बी सी डी ई 5 टाइम्स से रन करेगा, इसलिए मैं अपना जो इनर लूप, जो आउटर लूप है सॉरी, इसे मैं ए से लेके ई तक रन करूंगा। तो मेरा कोड किस टाइप से होगा, आई इज इक्वल ए, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, आई प्लस प्लस। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स। किस चीज के लिए, इनर लूप रन्स निकालने के लिए। ओके, इनर लूप रन्स के लिए हमें नंबर ऑफ कॉलम्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम्स देखें, जब एक रो है, जब फर्स्ट रो प्रिंट हो रही है तो एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, जब सेकंड रो प्रिंट हो रही है तो दो कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, जब थर्ड रो प्रिंट हो रही है तो 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, जब फोर्थ रो प्रिंट हो रही है तो 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, और जब फिफ्थ रो प्रिंट हो रही है तो 5 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे कॉलम्स हैं ये वेरी कर रहे हैं प्रिंटिंग में। ओके, रो के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो पे 1, देन सेकेंड पे 2, देन 3 पे 3, इस टाइप से ये वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसी से क्लियर हमें दिख रहा है कि जो हमारा इनर लूप का रन है ये आउटर लूप से रिलेटेड है। अगर मैं इसे लूप वेरिएबल्स के टर्म्स में बात करूं, तो जैसे यहाँ हम देखें, लूप वेरिएबल हम अगर लें आई इज इक्वल ए, मतलब जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, ओके, आई की वैल्यू ए है, तो मुझे मेरा इनर लूप कितनी बार चलाना होगा, सिर्फ एक बार, ठीक। तो मैं उसे ए के लिए बस चलाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं इनर लूप को भी कैरेक्टर फॉर्म में ले रहा हूँ, जो इनर लूप वेरिएबल है इनको भी हम एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं, तो उस तरीके से मैं इसे ए के लिए बस चलाऊंगा, तो ये सिर्फ एक बार चलेगा। जब आई की वैल्यू बी होगी तो मैं अपना इनर लूप कितनी बार चलाऊंगा, 2 बार, ए के लिए और बी के लिए, क्योंकि हमें यहाँ 2 कॉलम्स की प्रिंटिंग चाहिए सेकेंड रो में, इसलिए मैं इसे ए से लेके बी तक के लिए चलाऊंगा, तो 2 टाइम्स चलेगा। देन जब आई की वैल्यू सी होगी तो मैं अपने इनर लूप को कितनी बार चलाऊंगा, ए टू सी, 3 टाइम्स। ओके, सिमिलरली जब आई की वैल्यू डी होगी तो मैं अपने इनर लूप को, मतलब जो मेरा जे है, इनर लूप वेरिएबल जे है, इसे मैं ए से लेके डी तक रन करूंगा, दैट इज, तो ये कितनी बार चलेगा, टोटल 4 टाइम्स चलेगा। सिमिलरली जब आई की वैल्यू ई होगी तो मैं अपने इनर लूप को ए टू ई रन करूंगा, तो ये 5 टाइम्स रन करेगा। एज अ रिजल्ट मुझे ये 5 कॉलम्स की प्रिंटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा इनर लूप का रन है ये आई पे डिपेंडेंट है। ओके, तो जो हमारे इनर लूप रन्स हैं वो किस पे डिपेंड होंगे, आई। और हम कैसे रन कर रहे हैं, जब जो भी हमारी आई की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लूप जो है वो रन हो रहा है। मतलब हमें कैसे रन करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड वाली कंडीशन हम देखें, यहाँ पे आई की वैल्यू सी है तो हमारा लूप ए टू सी तक रन कर रहा है। मतलब हमें कैसे रन करना है, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई, ये हमारी कंडीशन है। ओके, जब तक हमें, तब तक इनर लूप रन करना है जब तक वो आई से स्मॉलर है या आई के बराबर हो इनर लूप वेरिएबल की वैल्यू। तो हमारा कोड किस टाइप से होगा, फॉर जे इज इक्वल ए, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। ओके, तो ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। थर्ड, व्हाट टू प्रिंट, हमें प्रिंट क्या करना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो प्रिंटिंग क्या हो रही है,
रो एक पूरी कांस्टेंट रो की प्रिंटिंग हो रही है, ओके, पहले ए देन बी बी देन सी 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 एंड सो ऑन। तो हमें पता है इस टाइप की जो प्रिंटिंग है, अगर एक पूरी रो में हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है तो ये इन जनरल हमें किससे मिलती है, आउटर लूप वेरिएबल से। तो यहाँ मैं प्रिंटिंग किस चीज की करूंगा, आउटर लूप वेरिएबल आई की, ओके। तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा प्रिंट एफ परसेंट सी आई। ये प्रोग्राम सी में है इसलिए यहाँ मैंने ये प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया हुआ है। अगर आप इसे सी प्लस प्लस में बनाएंगे तो आप यहाँ पे सिंपल सी आउट आई लिखेंगे, जावा में होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई लिखेंगे, सी शार्प में होगा तो कंसोल डॉट राइट आई लिखेंगे, ओके। बट यहाँ पे ये जो परसेंट, ये जो फॉर्मेट यूज किया है मैंने, ये क्योंकि ये सी में है, ओके। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ परसेंट सी आई की वैल्यू में प्रिंट करूंगा, और इनर और आउटर लूप के बीच में एक प्रिंट एफ न्यू लाइन लगेगा, ये न्यू लाइन स्टेटमेंट के लिए है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये वाला पैटर्न आउटपुट में मिलेगा। तो चलिए हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो अब हम इस कोड को रन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारा कोड रन करना स्टार्ट होगा तो हम इस आउटर लूप वाली स्टेटमेंट पे आएंगे। यहाँ पे हमारा आउटर लूप इनिशियलाइज होगा, आई इज इक्वल ए, कंडीशन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई। तो एट प्रेजेंट कंडीशन ट्रू है, ए इज स्मॉलर देन ई, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए अब हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे तो हमें हमारा इनर लूप मिलेगा, जे इज इक्वल ए, जो जे है वो ए से इनिशियलाइज हुआ है, और कंडीशन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई। एट प्रेजेंट आई की वैल्यू है ए, तो जो कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम इस लूप के अंदर आएंगे और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे हम आई की करेंट वैल्यू प्रिंट करेंगे। आई की करेंट वैल्यू है ए, तो यहाँ आउटपुट में ए आएगा। अब इसके बाद हमारा ये लूप कंटिन्यू होगा, जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू ए से इंक्रीमेंट होके बी हो जाएगी। आई होप आपको ये इंक्रीमेंट, ये कैरेक्टर्स पे इंक्रीमेंट वाला लॉजिक क्लियर है, क्योंकि ये जो होता है ये आस्की कोड्स पे बेस्ड होता है। हमने जो इससे पहले कैरेक्टर पैटर्न्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देखा है। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैरेक्टर्स पे कैसे इंक्रीमेंट हो सकता है तो आप उस वीडियो को देखें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ओके। सो फिलहाल हम यहाँ जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू बी हो जाएगी। अभी ये कंडीशन फॉल्स है, बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए, कंडीशन फॉल्स, तो अब आपका ये इनर लूप नहीं चलेगा और हम इस लूप से बाहर आएंगे, ये न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, बी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हम अंदर आएंगे, हमारा इनर लूप फिर से इनिशियलाइज होगा, जे इज इक्वल ए, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, आई की करंट वैल्यू है बी, कंडीशन ट्रू है, ए इज स्मॉलर देन बी, तो यहाँ पे हम आई की करंट वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि है बी, तो हमें आउटपुट में एक बी मिलेगा। देन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, बी, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और एक बी और प्रिंट होके हमें मिलेगा, क्योंकि आई की करंट वैल्यू प्रिंट करना है और आई की करंट वैल्यू क्या है, बी। देन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू हो जाएगी सी, कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए अब इनर लूप ब्रेक होगा, ये न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और अब यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू करेगा। आउटर लूप कंटिन्यू करेगा तो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी, कंडीशन अभी ट्रू है, तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, जे ए से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन का टेस्ट करना है, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई, आई की करंट वैल्यू क्या है, सी, जे की करंट वैल्यू है ए, एट प्रेजेंट कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई की करंट वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, आई की करंट वैल्यू क्या है, सी, तो यहाँ हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सी। फिर सिमिलरली जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी बी, कंडीशन ट्रू है, तो एक बार फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और क्या प्रिंट होगा, सी, अगेन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू हो जाएगी सी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सी। देन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू हो जाएगी डी, अब ये कंडीशन फॉल्स है, डी इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इनर लूप ब्रेक कर जाएगा, ये न्यू लाइन स्टेटमेंट से हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे, जो हमारा आउटपुट है ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा और यहाँ से अब हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई, डी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, जे फिर से वन से सॉरी ए से इनिशियलाइज होगा,
कंडीशन क्या टेस्ट कर रहे हैं हम, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई, आई की करंट वैल्यू डी, कंडीशन क्या टेस्ट करनी है, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू डी, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, डी, बिकॉज हम आई की करंट वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ आई की करंट वैल्यू है डी, तो हमें आउटपुट में मिलेगा डी। अब सिमिलरली ये लूप हमारा कंटिन्यू करेगा, जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू बी होगी, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे एक और डी मिलेगा, देन अगेन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू सी हो जाएगी, एक और बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है डी, एंड अगेन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी डी, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो आई की करंट वैल्यू हमें प्रिंट करना है, आई की करंट वैल्यू है डी, तो यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा डी। अब जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और हो जाएगी ई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा इनर लूप बंद होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अब हमारा लूप यहाँ से अगेन कंटिन्यू करेगा। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई, ई इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, ये कंडीशन भी ट्रू है, स्मॉलर नहीं बट इक्वल होती है, तो ये कंडीशन ट्रू है, हमारा लूप एक बार और रन करेगा। जे ए से इनिशलाइज होगा, कंडीशन हम टेस्ट करेंगे, जे इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई, आई की करंट वैल्यू है ई, ये करंट कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, तो हमारा ये जो अंदर ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये एग्जीक्यूट होगी, हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे, आई की करंट वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि कितनी है ई, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ई। फिर सिमिलरली जैसे ये ऊपर रन हुआ है वैसे ही यहाँ पे ये भी रन होगा, लूप कंटिन्यू होगा, जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी बी, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, ई की वैल्यू प्रिंट होगी, देन अगेन जे प्लस प्लस से वैल्यू हो जाएगी सी, तो यहाँ पे फिर से आई की एक वैल्यू प्रिंट होगी, अगेन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी डी, तो ये लूप हमारा फोर्थ टाइम चलेगा, हम अंदर आएंगे, प्रिंट एफ, आई की करंट वैल्यू प्रिंट करनी है, आई की करंट वैल्यू है ई, तो यहाँ ई प्रिंट होगा, एंड अगेन जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी ई, और अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे एक बार और आई की करंट वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसके बाद जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, एफ, एफ हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज एफ इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, एक कंडीशन गलत है, तो हमारा इनर लूप ब्रेक होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा, I++ से I की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, F, F is smaller than equal to E, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो अब हमारा ये आउटर लूप भी ब्रेक करेगा और हम इस कोड से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो इस कोड के रन होने के बाद जो हमें आउटपुट में आउटपुट मिलेगा वो ये पैटर्न मिलेगा जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। ओके, तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आपको ये वाला पैटर्न आउटपुट में प्रिंट होके मिलेगा। ओके, इसी कोड में कुछ चेंजेस परफॉर्म करके, या बोलूँ एक बहुत ही छोटा सा चेंज परफॉर्म करके हम एक नया पैटर्न बना सकते हैं, कैरेक्टर पैटर्न। फॉर एग्जांपल आप इसे देखें, अभी हमने ये वाला पैटर्न बनाया हुआ है। ओके, और ये एक पैटर्न और है जिसे हम इसी कोड से ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे पैटर्न को कॉपी करूँ, ओके, और यहाँ इस पैटर्न में इस आई की जगह मैं जे की वैल्यू प्रिंट करूँ, तो मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। अगर आप आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये पैटर्न प्रिंट होगा, जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये पैटर्न प्रिंट होगा। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है ये कॉलम वाइज चेंज हो रही है, ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी, जो वैल्यूज हैं वो कॉलम वाइज चेंज हो रही हैं। यहाँ पे पूरी एक रो में वैल्यू कॉन्स्टेंट है, यहाँ चेंज हो रही है। ओके, तो जब भी आपको एक पर्टिकुलर पूरी जो रो में वैल्यू सेम मिले, ओके, तो आपको ये इस टाइप की वैल्यू आउटर लूप वेरिएबल से मिलती है आई से। ओके, और जब वैल्यू ऐसे चेंज हो रही हो, फ्रीक्वेंटली कॉलम वाइज चेंज हो रही हो, तो ये वैल्यू हमें इन जनरल किससे मिलती है, इनर लूप वेरिएबल से। तो यहाँ मैं इनर लूप वेरिएबल जे को प्रिंट करूंगा तो ये वाला पैटर्न आउटपुट में मिलेगा, और अगर आई को प्रिंट करूंगा तो ये वाला पैटर्न आउटपुट में मिलेगा। ओके, लॉजिक बिल्कुल वही है, इनका जो एग्जीक्यूशन है ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी हमने इसका देखा है। ओके, अगर आप इसे खुद भी एक बार मैन्युअली इस कोड को रन करके देखेंगे, आई की जगह जे को पुट करके आप प्रिंट करके देखेंगे, तो आपको ये वाला पैटर्न आउटपुट में मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम कुछ और पैटर्न्स भी बना सकते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखिएगा ज़रा, या बहुत स्लाइड चेंज करके हम कुछ नए पैटर्न्स बना सकते हैं।
आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे। अगर आपको इन दोनों पैटर्न्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, देन हम उन क्वेरीज को भी डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वन मोर थिंग गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।